क्वेश्चन नंबर 5 गा तक तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, आज क्वेश्चन नंबर 5 घा सॉल्व करेंगे। देखिए हम पढ़ते हैं, आप भी सुनिए। लिखा है ज्योतिष दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। ज्योतिष दूरदर्शी मतलब खगोलीय दूरदर्शी, ठीक है। तो खगोलीय दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाना है आपको, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। तो और उसके बाद इसमें और भी लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन से उत्तल लेंसों को प्रयुक्त करने पर अधिकतम आवर्धन क्षमता का दूरदर्शी बनेगा। इस दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करिए। उन्होंने कुछ उत्तल लेंसों की फोकस दूरियां दी हैं, F1 = 20 सेंटीमीटर, F2 = 50 सेंटीमीटर, F3 = 1 मीटर, 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, और F4 = 5 सेंटीमीटर। तो जो पहले सबसे लगा हुआ है उसको करते कि ज्योतिष दूरदर्शी का नामांकित किरणारेख बनाइए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 घा उत्तर, खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। इसके लिए आप तो जानते हैं दो उत्तल लेंस लगते हैं, एक ये उत्तल लेंस हमने बनाया है जिसका नाम अभिदृश्यक लेंस है। और ये जिसे हम नेत्रिका कहते हैं या अभिनेत्र लेंस भी कहा जाता है, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस ये नेत्रिका है या अभिनेत्र लेंस, तो इसे आई पीस कहते हैं, ठीक। अभी क्योंकि ये ज्योतिष दूरदर्शी है इसलिए बहुत दूर से इसमें किरणें आएंगी, अनंत से। खगोल यानी कि बहुत दूर की वस्तुओं को हम इससे देखते हैं, तो यहाँ कहीं पर बहुत दूर से ये प्रकाश किरणें आ रही हैं जो कि आपस में समांतर हैं। अभिदृश्य के मुख्य अक्ष के समांतर है ऐसा नहीं है, ये आपस में समांतर है। ये किरणें जब ऐसे आई लेंस पर पड़ी, तो क्योंकि आपको दो कंडीशन हमने बताई है कि अगर प्रकाश किरणें आपतित प्रकाश किरणें उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर होंगी तो वो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनाएंगी, लेकिन अगर आपतित प्रकाश किरणें आपस में समांतर हैं लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, तो अपवर्तन के बाद जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस तल पर बनता है। तो ये उत्तल लेंस का मुख्य फोकस है FO, ये फोकस प्ले फोकल प्लेन है। आपस में समांतर किरणें आईं, अपवर्तन के पश्चात इन्होंने फोकस तल पर प्रतिबिंब बना लिया A डैश B डैश, और यहां कहीं दूर ऐसे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था ए बी, ठीक है। फोकस तल पर ये इमेज बनी। अब उसी के थोड़ी दूर पर ये एक दूसरा उत्तल लेंस रखा है जिसका नाम है आई पीस या नेत्रिका इसको बोलते हैं। नेत्रिका को हम थोड़ा सा पीछे या आगे की ओर खिसकाते हैं, और इतना खिसकाते हैं क्योंकि हमको समायोजन कैसा करना है कि जो अंतिम प्रतिबिंब हो वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। इसलिए नेत्रिका को थोड़ा सा पीछे या थोड़ा सा आगे इस तरह से खिसकाते हैं कि नेत्रिका का जो प्रिंसिपल फोकस हो, नेत्रिका का जो मुख्य फोकस हो, ये वाला प्रतिबिंब अभिदृश्यक से बनने वाला प्रतिबिंब नेत्रिका और उसके मुख्य फोकस के बीच बनने लगे। समझ आ रही बात? अभिदृश्यक से बनने वाला प्रतिबिंब नेत्रिका और नेत्रिका के मुख्य फोकस के बीच में बनने लगे, ठीक है। और जैसे ही ये बनेगा, यहां से फिर से हम नेत्रिका से इमेज बनाने के रूल्स यूज करेंगे, तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे, एक किरण ऐसे चली जाएगी जो प्रकाशिक केंद्र से सीधी निकल जाएगी,
ये दोनों किरणें ऐसे जाएंगी, यहाँ पर हम आई सेट करके देखेंगे तो ये किरणें दूर कहीं यहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी हमको। और वैसे भी उत्तल लेंस में अगर कोई उसके सामने कोई वस्तु अगर लेंस और फोकस के बीच रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनेगा, बड़ा बनेगा, सीधा होगा और आभासी बनता है। तो इस नेत्रिका लेंस ने इसके सामने जो अभिदर्शक ने प्रतिबिंब बनाया था वो इसके लिए वस्तु का काम कर रहा है। तो उसने जो प्रतिबिंब बनाया वो बड़े आकार का, आभासी बनाया, सीधा बना दिया, इसके अकॉर्डिंग सीधा, वैसे तो उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। ये ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज बन गई। बस ये ज्योतिष दूरदर्शी का किरण आरेख, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। खगोली दूरदर्शी, या इसी को क्या बोल सकते हैं, ज्योतिष दूरदर्शी। जो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ज्योतिष विज्ञान में भी ग्रह नक्षत्रों का सब बताया करते हैं, और ऐसे ही खगोल में भी यहाँ पर ग्रह उपग्रह सब होते हैं। तो उससे आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि खगोली दूरदर्शी का दूसरा नाम ही होता है ज्योतिष दूरदर्शी। ठीक है, तो ये उसका रे डायग्राम है, ये आपको बनाना था। इसी में एक चीज और है, उन्होंने बताया कि निम्न में से कौन से उत्तल लेंसों को प्रयुक्त करने पर अधिकतम आवर्धन क्षमता का दूरदर्शी बनेगा, और ये उन लेंसों की फोकस दूरियां दी गई हैं। चार उत्तल लेंस दिए गए हैं आपको, एक 20 सेंटीमीटर, दूसरा 50 सेंटीमीटर, तीसरा 100 सेंटीमीटर और चौथा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरियों के लेंसेज हैं। आपको ये पता लगाना है कि इनमें से कौन से उत्तल लेंसों का प्रयुक्त करने पर आवर्धन क्षमता, अधिकतम आवर्धन क्षमता का दूरदर्शी बनेगा। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता में आप एक चीज देखते थे, उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ाने की क्या शर्त होती थी। अभिदृश्यक की फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए और नेत्रिका की फोकस दूरी, तो आपको नहीं लगता इसमें सबसे अधिक फोकस दूरी किसकी है, F3, तो इसको क्या बना लेना चाहिए, अभिदृश्यक। और सबसे कम फोकस दूरी किसकी है, F4, तो इसको क्या बना लेना चाहिए, नेत्रिका। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो अधिकतम आवर्धन क्षमता आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है उसका जवाब हम लोग लिख सकते हैं कि निम्न में से उत्तल लेंसों, कौन से उत्तल लेंसों को प्रयुक्त करने पर अधिकतम आवर्धन क्षमता का दूरदर्शी बनेगा। तो आंसर है F3 बराबर 100 सेंटीमीटर को अभिदृश्यक लेंस, ऐसे लिख देते हैं, F3 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर को अभिदृश्यक लेंस तथा F4 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर को अभिनेत्र लेंस लेने पर अधिकतम आवर्धन क्षमता का दूरदर्शी बनेगा, लेने पर अधिकतम आवर्धन क्षमता का दूरदर्शी बनेगा। तो ये एक चीज तो पहले तो आपको याद रखनी है कि दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है उसको अगर आप अधिकतम रखना चाहते हैं तो आपको करना ये पड़ेगा कि अभिदृश्यक बड़ी फोकस दूरी का लेना पड़ेगा और नेत्रिका की फोकस दूरी छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी फोकस दूरी इसमें F3 थी, उसको हम अभिदृश्यक लेंस बना लेंगे, और सबसे छोटी फोकस दूरी F4 है 5 सेंटीमीटर, उसको अभिनेत्र लेंस बना लेंगे। ऐसा कर लेंगे तो जो हमारा ज्योतिष दूरदर्शी बनेगा उसकी आवर्धन क्षमता सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अभी उन्होंने एक चीज और पूछा हुआ है, इस दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। मतलब सिर्फ इतना नहीं करना, ये जो दूरदर्शी बनेगा इसकी आवर्धन क्षमता भी पता लगानी है।
तो यहां पर हम कर देते हैं इस दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। आपको याद होगा कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है उस समय आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है माइनस एफओ अपॉन एफ ई अंडर ब्रैकेट 1 प्लस एफ ई अपॉन डी माइनस एफओ। एफओ हमने किसको लिया है 100 सेंटीमीटर और नेत्रिका हमने ली है 5 सेंटीमीटर। 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ठीक है। इसको मैं यहां पर कैलकुलेट कर देता हूं, आप देख लीजिए। एम इज इक्वल टू माइनस 5 से पहले इसको काटेंगे तो कितना होगा 20। 1 प्लस 1 अपॉन 5, 5 5 ज़ार 25, माइनस 20 × 6 अपॉन 5। 5 से बेटा इसको कैंसिल करेंगे 4, 4 6 ज़ार 24। तो आवर्धन क्षमता दूरदर्शी की कितनी आ जाएगी, -24, ठीक। अच्छा, इसके बाद ये हो गया क्वेश्चन आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है, इसी में क्वेश्चन नंबर 5 अंगा। तो यहां पर लिखेंगे प्रश्न नंबर 5 और अंगा पार्ट लिखा हुआ है, इसका उत्तर लिखेंगे। क्वेश्चन में है पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी दृष्टिकरण क्रिया समझाइए। पीएन संधि डायोड की पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकरण क्रिया, पूर्ण तरंग दृष्टिकरण क्रिया, ठीक है। ये मैं आपको बताऊं कि पीएन संधि डायोड की जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की क्रिया विधि है, ये शायद मेरे ख्याल से पहले भी आ चुका है किसी सेट में, तो अब ये हम करेंगे नहीं। आप ये देख लीजिए कौन से सेट में आया था और वहां से इसकी हेल्प ले लीजिए, ये हम नहीं कर रहे हैं। सभी लोग अपने आप से करिए इसको। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 अंगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 उत्तर, इसमें एक फिगर बना हुआ है, मैं भी बना लेता हूं उस फिगर को। ये फिगर बुक में बना के दिया गया है आपको, और अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप भी सुनिए। लिखा हुआ है सम्मुख प्रदर्शित श्रेणी एलसीआर परिपथ में नंबर 1 धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर ज्ञात करना है आपको। फर्स्ट पार्ट में आपको करना है धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर, ये आपको मालूम करना है। सेकंड पार्ट लिखा हुआ है यदि एक अतिरिक्त संधारित्र C1 को संधारित्र C के साथ समांतर क्रम में जोड़े जाने पर शक्ति गुणांक का मान एकांक यानी कि 1 हो जाए तब C1 की धारिता का मान ज्ञात करिए। इसका मतलब सेकेंड पार्ट में C1 की वैल्यू बतानी है जिसका जिक्र वो क्वेश्चन में कर रहे हैं। चलिए बाद में आ जाएंगे उस पर, पहले यहां से हम थोड़ी सी चीजें देखना चाहते हैं। आप देखिए
यहाँ पर हल करेंगे हम। हल में सबसे पहले हम जो इक्वेशन हमको दी गई है, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन 1000 t प्लस 5, इसकी तुलना, इसकी तुलना हम कराएंगे वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 से करने पर। आप देखिए ओमेगा की जगह पर क्या मिलेगा आपको, 1000, और ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक तो ये हमने पता लगा लिया, इसके बाद ये एल जो 100 मिली हेनरी है, हम ये पता लगाना चाहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात का मान कितना होगा। प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल इज इक्वल टू, आपको याद होगा एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, तो ओमेगा की जगह 1000, 1000 कर लो या 10^3 कर लो, और एल की जगह 100 मिली हेनरी। देखो 100 के लिए 10^2, और मिली हेनरी के लिए 10^-3, और ये काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, हेनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी 10^2 हेनरी। ठीक, इसके बाद धारितीय प्रतिघात निकाल लेते हैं। धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात मतलब एक्स सी 1/ωc, 1/ω की जगह पर 10^3 और सी की जगह पर है 2 माइक्रोफेरड, मतलब 2×10^-6 फैरड। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे अगर आप, तो आप पाएंगे ये 2×10^-3 बना, 10^-3 ऊपर जाएगा 10^+3। हाँ इसको कैलकुलेट करके आप देखिए ये इतने आ जाएगा, सॉरी एक्सएल का मान हेनरी नहीं ओम होगा, ये अवरोध है प्रतिरोध है और इनके मान मात्रक ओम में आते हैं, तो ये एक्स सी आ गया। आर हमको 400 ओम ऑलरेडी दिया गया है, अब आप चाहे तो इसको 10^2 लिखो या आप 100 ओम कर लो, इसको भी 5×10^2 लिखो या 500 ओम कर लो। ठीक, इसके बाद सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर चाहिए। अब धारा व वोल्टेज के बीच धारा व वोल्टेज के बीच कलांतर, आपको याद होगा बेटा कलांतर का एक फॉर्मूला आप लगाते हैं टैन इनवर्स। अब एक्स सी और एक्सएल में जो बड़ा हो उसमें छोटा वाला माइनस कर दो, एक्स सी बड़ा एक्सएल छोटा, एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे और सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। फाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स, एक्स सी में एक्सएल माइनस करिए, 500 में 100 माइनस कर देंगे, 400, आर की जगह पर क्या लिखेंगे 400। अब टैन इनवर्स ये क्या बन जाएगा 1। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1, और आप सबको याद है टेन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4 रेडियन। इसका मतलब ये हुआ कि धारा व वोल्टेज के बीच जो कलांतर है वो कितने का है, π/4 रेडियन। बताएं ठीक है, π/4 रेडियन।
अब इसके बाद हमको एक काम और करना है, C1 का मान भी पता लगाना है। उन्होंने ये बोला कि संधारित्र के साथ में समांतर क्रम में जोड़े जाने पर शक्ति गुणांक का मान 1 हो जाए तब C1 की धारिता का मान ज्ञात करिए। मैं इसी में आपको दिखाई दे रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, इसी के समांतर क्रम में एक दूसरा संधारित्र जोड़ा गया है, कितनी धारिता का है वो, C1 धारिता का है, ठीक है। कह रहे ऐसा संधारित्र लगाया गया है जिसकी वजह से जो परिपथ का शक्ति गुणांक हो वो कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो जो सेकेंड पार्ट है उसके मुताबिक कॉस फाई का मान कितना होना चाहिए, 1। अगर कॉस फाई का मान 1 होगा इसका मतलब फाई की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। भाई कॉस फाई का मान अगर 1 है तो फाई की वैल्यू क्या होगी, कॉस 0 का मान 1 होता है तो फाई की वैल्यू 0 डिग्री आ जाएगी। अब अगर फाई की वैल्यू 0 डिग्री है तो यहां से थोड़ा एक बार देखो जरा, फाई अगर 0 होगा तो टैन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर से आपको क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू टैन इनवर्स। टैन इनवर्स की कौन सी वैल्यू का मान 0 आएगा, 0 का। देखो ध्यान से, फाई कितना होगा 0, तो टैन फाई कितना होगा 0, और अगर टैन फाई 0 होगा इसका मतलब ये भी तो 0 होगा। आप खुद समझ सकते हैं थोड़ा सा, फिर से अगर मैं फाई की जगह 0 लिख दूंगा तो यहां पर क्या बचेगा, टैन इनवर्स थीटा कुछ भी ले लो, फाई की जगह हमने 0 लिख दिया और यहां टैन इनवर्स थीटा या टैन इनवर्स एक्स। अब टैन इनवर्स एक्स 0 के बराबर है तो एक्स कितना होगा, टैन 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो कॉस फाई अगर 1 है तो फाई 0 डिग्री होगा, और अगर फाई 0 डिग्री है तो इसमें लिखा हुआ ये नंबर कितने के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। Therefore एक्स सी इज इक्वल टू एक्स एल। अगर ये पूरा 0 हो जाएगा तो किसी भिन्न का मान 0 कब होता है, जब उसका अंश 0 होगा, और अंश में क्या है, एक्स सी माइनस एक्स एल। अगर एक्स सी माइनस एक्स एल 0 है तो एक्स सी बराबर किसके होगा, एक्स एल। एक्स सी बराबर एक्स एल तो ये तो अनुनाद की स्थिति है कि नहीं। अच्छा, हम यहां से सी का मान पता लगाना चाहते हैं, सी की वैल्यू। तो आप एक्स सी का फॉर्मूला लिखो, 1/ωc। एक्स एल की वैल्यू लिखो, ओमेगा एल। सी उधर भेजो, ओमेगा इधर लेके आओ, तो ये आएगा सी इज इक्वल टू 1/ω² l। ओमेगा का स्क्वायर करेंगे, ओमेगा 10^3 है, स्क्वायर कर देंगे तो 10^6 हो जाएगा, और एल की जगह पर एल की वैल्यू 100 mH है, तो 100 × 10^2 और मिली हेनरी को हेनरी में बदलेंगे, 10^-3। इस तरह से सी की वैल्यू बनेगी 10^5, और ऊपर आके क्या बन जाएगी, 10^-5, 10^-5, ऐसे ही तो आएगा। C इज इक्वल टू 1/ω² l। ओमेगा स्क्वेयर करेंगे 10^6, और l की जगह पर 100 mH, 100 यानी कि 10^2 mH, 10^-3, ठीक है। C की वैल्यू इतनी आ गई। अब थोड़ा ध्यान से देखें, C का मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा का पूरा इसकी वैल्यू है, देखो ध्यान से सुनिएगा, शक्ति गुणांक का मान 1 होने के लिए परिपथ की जो टोटल धारिता होनी चाहिए वो इतने के बराबर होनी चाहिए। क्या आप बता सकते हैं यहां से टोटल धारिता निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, समांतर क्रम में, जब दो संधारित्र समांतर क्रम में होते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है, दोनों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो फिर से सुनिए, शक्ति गुणांक 1 होने के लिए परिपथ की जो तुल्य धारिता है
वो इतने के बराबर आनी चाहिए, उसे इतना होना चाहिए। इसे थोड़ा माइक्रोफेरड में चेंज कर लेते हैं, तो हम एक काम करते हैं, ये कितना बन जाएगा, 10 माइक्रोफेरड, 10 × 10⁻¹ करोगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 10 × 10⁻⁶, या सी इज इक्वल टू 10 माइक्रोफेरड। ठीक, और ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये किसके इक्वल होगा, C1 प्लस, इसको हम सी इक्विवेलेंट लिख देते हैं। कि अगर आप चाहते हो कि परिपथ का शक्ति गुणांक 1 हो, तो परिपथ में जो तुल्यधारिता होनी चाहिए वो 10 माइक्रोफेरड की होनी चाहिए भाई। ठीक, अब क्योंकि सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, C प्लस C1, सी इक्विवेलेंट की जगह लिखेंगे 10, सी की वैल्यू लिखेंगे 2 माइक्रोफेरड प्लस C1। इस तरह से C1 की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें माइनस हो जाएगा 8 माइक्रोफेरड। इतनी धारिता का संधारित्र आपको उसके समांतर क्रम में लगाना पड़ेगा। जब आप समांतर क्रम में लगा देंगे तो परिपथ का जो शक्ति गुणांक होगा वो कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 6। अब इसमें एक अथवा वाला पार्ट भी है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे प्लीज आप नोट कर लें, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में एक अथवा वाला पार्ट भी लगा हुआ है, जिसपे लिखा हुआ है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। तो पहले तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा बतानी है आपको, पहले इसी को कर लेते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक, क्या होती है अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा भाई, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का जो संख्यात्मक मान, जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक का जो मान होता है वो किसी एक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। ठीक है, तो बस नोट कर देते हैं। किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व का मान उनमें से किसी एक कुंडली में उत्पन्न उनमें से किसी एक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में
जबकि दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। ठीक, ये डेफिनेशन होती है अन्योन्य प्रेरण गुणांक की। और आप अगर इसे एम से प्रदर्शित करते हैं इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एम का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो ये मोड ऑफ एम इज इक्वल टू मोड ऑफ ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। ठीक, अगर यहाँ ई टू लिखेंगे तो यहाँ आई वन होगा, अगर यहाँ ई वन लिखेंगे तो यहाँ आई टू होगा। ये दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा हो गई और उससे जुड़ी एक दो बातें और हो गई। अब आगे लिखा हुआ है, इसी में एक न्यूमेरिकल लगा हुआ है बेटा, तो उस आंकिक भाग को भी करते हैं। आंकिक भाग, एक वृत्ताकार कुंडली एक्स जिसकी त्रिज्या 0.02 मीटर है, ये थोड़ा सा फिगर में बनाता हूं। एक वृत्ताकार कुंडली है, इसका नाम है एक्स और इसकी त्रिज्या 0.02 मीटर है तथा 100 फेरे हैं इसमें, 100 टर्न्स हैं इसके पास। ठीक है, एक अन्य वृत्ताकार कुंडली वाई जिसकी त्रिज्या 0.2 मीटर है, इससे बड़ी त्रिज्या की एक दूसरी कॉयल है। ऐसे ये कॉयल वाई है, इसका जो रेडियस है वो है 0.2 मीटर और इसमें फेरों की संख्या है 1000। 1000 फेरे हैं इसमें, संकेंद्री तथा सम अक्षीय रखी हैं। संकेंद्री मतलब दोनों का केंद्र एक ही जगह पर है और दोनों के अक्ष भी सेम है। कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए, कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात करना है। एक काम कर लेते हैं, इसमें बड़े वाले को R1 और छोटे वाले को R2 कर लेते हैं। तो R1 की वैल्यू कितनी है, 0.2 मीटर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद N1 कितना होगा, 1000 टर्न्स। R2 की वैल्यू कितनी है, 0.02 मीटर। और N2 इज इक्वल टू 100 टर्न्स। ठीक, अच्छा, तो उन्होंने बोला दोनों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान बताइए। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक। जब दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां होती हैं तो उनके बीच में अन्योन्य प्रेरण गुणांक का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू पाई N1 N2 इंटू R2 स्क्वेयर अपॉन 2R1। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। अब इसमें वैल्यू लिखिए तो ये कितना हो जाएगा, 4π इंटू 10⁻¹। पाई की जगह पर पाई, N1 की जगह 10⁻³, N2 की जगह 10⁻² R2 स्क्वेयर। ये 2 × 10⁻²² है, स्क्वेयर करेंगे तो 4 × 10⁻⁴ अपॉन 2 और R1 की जगह पर 0.2। ठीक, अब इस 2 से आप इस 4 को कैंसिल कर दीजिए, फिर पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, इससे कैंसिल कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा।
अब 4 × π × π, पाई स्क्वायर 9.86 × 10⁻⁷, -7, -4, -11, और 3 × 2 = 5 = 6, -11 और 6 -5, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो m इज इक्वल टू 4 × 6 = 24 कैरी 2, 4 × 8 = 32 और 2 34 कैरी 3, 4 × 9 = 36 और 39, दो नंबर पे पॉइंट लगाएंगे। × 10⁻⁵, पॉइंट एक नंबर इधर खिसका के ले आएंगे अगर हम, तो यह आ जाएगा 3.944 × 10⁻⁴। और या तो 3.9 को आप क्या लिख सकते हैं, लगभग 4 कर सकते हैं, तो लगभग ये लिख देंगे 4 × 10⁻⁴, और इसका मात्रक क्या होगा, हेनरी। ये दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक चीज का ख्याल आपको रखना है कि जो कुंडली बड़ी होगी उसको उसकी त्रिज्या R1 और उसमें फेरों की संख्या N1 लिखेंगे, और जो छोटी कॉयल होगी उसकी त्रिज्या R2 और फेरों की संख्या N2 लिखेंगे। और फिर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए। ठीक, ये एक हिस्सा हो गया इसका। अभी इसमें एक चीज और लगी हुई है कि यदि कुंडली वाई में, ये जो कुंडली वाई है, धारा 4 × 10⁻²² में, इसी में एक भाग और है, तो आप डेल्टा टी दिया, इन्होंने कितना दिया है, 4 × 10⁻²² 4 × 10⁻²² में 7 एम्पियर से 5 एम्पियर परिवर्तित की जाती है। धारा में कितने का परिवर्तन किया गया है, धारा में परिवर्तन किया गया है 7 एम्पियर पहले थी, 5 एम्पियर बाद में हो गई, तो 2 एम्पियर का परिवर्तन किया गया है, 7 एम्पियर से 5 एम्पियर परिवर्तित की गई। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि धारा घट रही है, आप 5 − 7 − 2 एम्पियर, ऐसा करने से एक माइनस निशान आगे आएगा और ये आपको बताता रहेगा कि करंट क्या हो रही है, घट रही है। परिवर्तित की जाती है कुंडली एक्स में प्रेरित विद्युत वाहक बल। आप एक काम कर लो, कुंडली वाई को क्योंकि हमने प्राथमिक मान ही लिया है तो इसको हम I1 मान लेते हैं, क्योंकि इसकी सारी चीजें 1 मानी गई हैं। अब कुंडली एक्स में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो यहां लिखेंगे कुंडली एक्स में प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको हम E2 से लिखेंगे। E2 का फॉर्मूला क्या होता है, -m डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। तो माइनस की जगह माइनस, m की जगह पर m की वैल्यू अभी हमने निकाली है 4 × 10⁻⁴। डेल्टा I1 की जगह पर -2 एम्पियर और डेल्टा टी है 4 × 10⁻²। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 × 10⁻², और विद्युत वाहक बल है तो वोल्ट, या E2 इज इक्वल टू 0.02 वोल्ट, ये विद्युत वाहक बल इतना उत्पन्न होगा उस पे। क्वेश्चन नंबर 6 में M आ गया और 2 × 10⁻²² वोल्ट का विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा कुंडली एक्स में। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, आप इसे नोट करें, इसके बाद हम उसे कैलकुलेट करते। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, एक उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है, उसके लिए अपवर्तन का सूत्र आपको डिराइव करना है।
तो यहां पर मैं हेडिंग बना लेता हूं, उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र। देखें, उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र आपने डेरिवेशन कर भी रखा है पहले भी, मैं उसको यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ आपको। आप देखिए, ये हमने एक उत्तल गोलीय पृष्ठ बना लिया। ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, ये इस सरफेस के दाहिनी तरफ पूरा का पूरा ये ग्लास भरा हुआ है यहाँ, और इधर की तरफ क्या है, एयर है। और ये है उत्तल गोलीय पृष्ठ, ये उस उत्तल गोलीय पृष्ठ का पोल है यानी कि ध्रुव। इसके सामने थोड़ी दूर यहाँ पर हम एक बिंदु वस्तु रख देते हैं, बिंदु वस्तु, पॉइंट ऑब्जेक्ट। इस उत्तल गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र यहाँ कहीं पर होगा, अगर हम इसको ऐसा पूरा करेंगे तो यहाँ कहीं इसका वक्रता केंद्र आएगा, सी। और इस सी से इस उत्तल गोलीय सरफेस को कहीं पर भी मिला दोगे तो वो लाइन जो मिलाएंगे वो उस सरफेस की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ पर मिला देते हैं इसको, चाहें तो थोड़ा और ऊपर ले जाके ऐसे बना सकते हैं। इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो आप तो जानते हैं वक्रता केंद्र से सरफेस को कहीं पर भी मिला हुआ अभिलंब का काम करती है, तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये अभिलंब का काम करेगी इस सरफेस के लिए। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहां से एक प्रकाश किरण पहले हम ऐसे भेजेंगे, जब ये लाइट रे इस तरीके से जाएगी। अब वैसे तो इसके जाने का रास्ता सीधा ऐसा है इस रास्ते में, लेकिन क्योंकि ये एयर से ग्लास में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, तो क्या करेगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये ऐसा सीधे ना जाकर हल्का सा ये ऐसे निकल जाएगी इस डायरेक्शन पे, तो इस दिशा में जाना चाहती थी लेकिन अपवर्तन के कारण वो इस दिशा में नहीं गई, इस डायरेक्शन पे निकल गई, ए से बी की ओर निकल गई, ठीक। अब इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि पीछे बढ़ाने से ये जो प्रकाश की किरण थी वो हमें यहां से ऐसे आते नजर आ रही है, और जहां से हमें वो आते नजर आ रही है वहीं पर इस बिंदु वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब। ग्लास का निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 मान लेते हैं और वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 मान लिया जाए, या μ1 μ2 कर लो आप, μ1 और इसका क्या कर लेते हैं, μ2, ठीक है। फिर से ये उत्तल गोलीय पृष्ठ है, ये वक्रता केंद्र, ये अभिलंब। यहां पर एक बिंदु वस्तु हमने रखी है विरल माध्यम में, यहां से एक प्रकाश किरण आपतित किरण गई, अपवर्तन की वजह से अभिलंब की ओर ऐसे जाते हुए अभिलंब की ओर झुक गई। अब इस कण को पीछे बढ़ाया गया तो ये मुख्य अक्ष के इस पॉइंट से आती नजर आती है, यहीं पर इस बिंदु वस्तु का बिंदु प्रतिबिंब तैयार हो जाता है। ये सारी चीजें हमने मानी। अब थोड़ा ध्यान से देखें, अगर ये अभिलंब है, नॉर्मल है, तो अभिलंब से और यहां तक का एंगल बताइए क्या होगा, 90 डिग्री। क्यों, ये क्या है, आपतित किरण, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण कितना होता है, आपतन कोण होता है कि नहीं होता, और आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। तो ये एंगल कितना है, आई। नहीं समझ आया, ठीक। इधर सॉरी,
अभिलंब और ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। तो इसके बीच का एंगल कितना होगा? ये अपवर्तन कोण आर। और यहां पर भी तो देखिए ये एंगल, ये आर ही तो होगा। क्यों ये आर होगा? क्योंकि इस लाइन को पीछे बढ़ाने से यही लाइन तो मिली हमको। तो इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल यहां पर आर, तो वही वाली लाइन और वही वाली लाइन यहां पर बीच का कोण कितना? आर। ठीक। वस्तु से जो किरण जाती है मुख्य अक्ष के साथ उसका बनने वाला कोण अल्फा। ठीक है। प्रतिबिंब वाले को क्या लेते हैं? बीटा। और जो वक्रता केंद्र से लाइन जाती है उस वाले एंगल का नाम गामा। नहीं समझ आया? तो ये सारा कुछ हमने कर लिया। अब इसमें कुछ चीजें हैं जिन्हें आप सबसे पहले नोट करना चाहेंगे। तो माना माना उत्तल गोलीय पृष्ठ के पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू टू। ठीक। तथा वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक हमने कितना मान लिया? म्यू वन। ठीक है। यहां से हम एक लंब ऐसा डाल देते हैं, इसको हम मान लेते हैं एन। और ये लंब की हाइट कितनी मान ली जाए? एच। आप इनमें से कुछ एंगल लिख सकते हैं। माना आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर है। और लिख देते हैं, माना बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब ए एन इज इक्वल टू एच। ए एन इज इक्वल टू एच। माना एंगल ए ओ पी, ए ओ पी इज इक्वल टू एट अल्फा। एंगल ए आई पी इज इक्वल टू बीटा। एंगल ए सी पी इज इक्वल टू गामा। ठीक है। ये कुछ हमने एंगल्स मान लिए। अब इसके बाद आप फिगर में ध्यान से देखिए बेटा, आप जो ये आई देख रहे हैं आपतन कोण, आपको नहीं लगता त्रिभुज ए ओ सी में ये बाय कोण है? यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए ओ सी में त्रिभुज ए ओ सी में बाह्य कोण कौन है? आई है। देखो ए ओ सी इस ट्रायंगल में ये बाह्य कोण आई है, और बाह्य कोण का मतलब वैल्यू होती है अल्फा और गामा के जोड़ के बराबर। इसलिए आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः सुदूर एंगल कोणों के योग के बराबर होता है। तो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। और एक चीज देख सकते हैं आप, त्रिभुज ए आई सी में अगर आप देखेंगे, त्रिभुज ए आई सी में बाह्य कोण, त्रिभुज ए आई सी में बाह्य कोण कौन है? आर है। इसलिए आर इज इक्वल टू
आर की वैल्यू होगी बीटा प्लस गामा के इक्वल होगी आर की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद स्नेल के नियम से स्नेल के नियम से बेटा आपने पढ़ा है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन, ठीक है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा साइन एन वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू एन टू इंटू साइन आर, यहां लिखेंगे क्योंकि आई व आर अत्यंत छोटे हैं इसलिए आई इज इक्वल टू या साइन आई इज इक्वल टू आई साइन आई इज इक्वल टू आई तथा साइन आर इज इक्वल टू आर ले सकते हैं। लिख दीजिए तो एन वन की जगह एन वन, साइन आई की जगह पर आई, एन टू की जगह एन टू, साइन आर की जगह पर आर, ऐसे लिख दिया हमने। इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमको तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब वैल्यू लिखिए एन वन, आई की जगह पर क्या लिखना है अल्फा प्लस गामा, एन टू की जगह एन टू, आर की जगह पर बीटा प्लस गामा। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, ज़रा कैलकुलेट करेंगे तो एन वन अल्फा प्लस एन वन गामा इज इक्वल टू एन टू बीटा प्लस एन टू गामा, ठीक है। इसको हम ऐसा करते हैं एन वन अल्फा माइनस एन टू बीटा इज इक्वल टू, इसको उधर भेज देंगे तो एन टू गामा माइनस एन वन गामा, एन वन अल्फा माइनस एन टू बीटा इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन इन टू गामा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर वन, इसको हमने इक्वेशन नंबर वन मान लिया और इसी में हम वैल्यू लिखेंगे आके। अब यहाँ पर देखें हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू चाहिए तो लिखेंगे यहाँ अल्फा बीटा व गामा अत्यंत छोटे हैं, ठीक है। इसलिए अल्फा को आप क्या लिख सकते हो टैन अल्फा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें इस त्रिभुज में टैन अल्फा बराबर लंब बटे आधार, लंब ए एन और आधार एन ओ, लंब ए एन आधार एन ओ, ए एन की वैल्यू कितनी है एच और एन ओ, एन ओ की जगह हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं पी ओ लिख सकते हैं, क्यों, यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा हो। एक शर्त और यहां लेंगे यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक अत्यंत छोटा हो, तब गोलीय पृष्ठ का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो n के स्थान पर क्या ले सकते हैं p, तब बिंदु n के स्थान पर बिंदु p लिया जा सकता है, ठीक है। ये हमने इसमें और एक कन्वीनियंस ले लिया तो n की जगह पर हमने क्या ले लिया p, ठीक। अब h अपॉन पी ओ, देखो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, इसको हम कैसे लिखते हैं u से,
प्रतिबिंब तक की दूरी को लिखेंगे, वी से लिखा जाएगा, और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम आर से लिखेंगे। और क्योंकि वस्तु तक की दूरी बाईं ओर नापी जा रही है तो हम इसको माइनस यू से लिखते हैं। बीटा को क्या लिख सकते हैं? टैन बीटा। टैन बीटा लंब बटे आधार, लंब ए एन और आधार एन आई। ए एन को क्या लिखेंगे? एच। एन आई को क्या लिख सकते हैं? पी आई। एन की जगह पी लिख देंगे ना, एच की जगह पर एच, पी आई। पी से प्रतिबिंब तक की दूरी माइनस वी। इसके बाद गामा को लिया जा सकता है टैन गामा। टैन गामा ए एन अपॉन एन सी। देखो टैन गामा है लंब बटे आधार, ए एन अपॉन एन सी। ए एन की जगह पर एच। आप एक काम करो, अभी इसको ए एन यहाँ लिखा रहने दो, बाद में अगली लाइन अगले उसमें एच लिखेंगे। यहाँ पर भी अभी ए एन लिखा रहने दो, और एन सी को लिखेंगे प्लस आर। तो एच अपॉन आर, क्यों? क्योंकि वक्रता त्रिज्या दाईं ओर नापी जा रही है। अब ये सारी वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर वन पे अप्लाई कर देते हैं। इसलिए समीकरण एक से, ये समीकरण एक है, तो एन वन इंटू अल्फा, अल्फा की जगह पर एच अपॉन माइनस यू, माइनस एन टू बीटा की जगह पर एच अपॉन माइनस वी इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन गामा एच अपॉन आर। पूरी इक्वेशन में एच से आप डिवाइड कर सकते हैं। और देखिए ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस। और एच से भाग दे रहे हैं, क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा माइनस एन वन अपॉन यू, माइनस माइनस प्लस एन टू अपॉन वी इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर। इस तरह से एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर। यही है गोलीय पृष्ठ, गोलीय उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। इस तरह से आप पहले भी जब आप पढ़ रहे थे इस लेसन को तब भी आपने डिराइव किया हुआ है, और आज फिर हमने एक बार करा दिया है तो आपको कुछ याद आ गया होगा सारी चीज़ें। ये एन और म्यू ओ, म्यू वन जहाँ पर एन वन है वहाँ सब जगह क्या करना है? म्यू वन। आप एक काम कर लो, यहाँ एन वन और यहाँ एन टू कर लो, क्योंकि इतनी जगहों पर बदलना मुश्किल है, यहाँ पर बदल दो। बाकी सब जगह पर हमने एन वन एन टू यूज करा है, और कहीं पर है एन टू और यहां पर एन वन, ठीक? ऐसे आप कर लो इसको। तो इस तरह से ये गोली उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र हो गया। अब इसी का अथवा वाला पार्ट है 7 नंबर का, पर उसे हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है? तो कल वाली क्लास पे कर लेते हैं फिर हम। तो आज फिजिक्स में हम इतना ही रखेंगे, आगे और भी पढ़ाई करेंगे, अगली क्लास पे करते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।